में चली गई। अच्छा अच्छा, आप लोग मुंबई गए हैं? जी जी जी। पूना से नमूना मेरे साथ आ रही थी, किंतु बोरी वाली बोल कर मलाड में चली गई। और फोटो फेसबुक पर जो वायरल हुआ, तो मित्र खुशियों की झड़ी मेरी झाड़ में चली गई। खाली पड़ी कुर्सियां और सोते हुए श्रोता देख, कविता की कड़ी भी कबाड़ में चली गई। ओ आते आते देखा मैंने, भीड़ भाड़ थी बहुत, धीरे धीरे सारी भीड़ भाड़ में चली गई। देखिए मैं कविता कम करता हूँ, कविता की जादूगरी ज्यादा करता है। क्या बात है, कविता शब्दों की जादूगरी ही है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने कहा है कि कविता मन की मंजरी रहे, रस छंद भाव से भरी रहे, और निज व्यथा कथा के साथ साथ शब्दों की जादूगरी रहे। क्या बात है, अच्छा है। कविता सिर्फ और सिर्फ शब्दों की जादूगरी ही है, बाकी सब लोग कविता करना जानते हैं। जी जी। मैं एक वंदना पढ़ता हूँ और यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ भाई, आरिफ भाई की तो विशेष तारीफ करना चाहता हूँ, इनके माध्यम से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और अगर इतने ही खर्च में आप चाहें तो बहुत बड़ा कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा का भी हो सकता था, इससे भी बड़ी भीड़ हो सकती थी, लेकिन एक साथ बाप बेटा भाई बहन सारे लोग बैठ के नहीं सुन सकते थे। बिल्कुल, ये मुशायरा कराना साधारण सी बात नहीं है। मुखिया जी को भी मैं तारीफ देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञापित करता हूँ। होता क्या है, अगर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम होगा, ऐसे ऐसे गाने बजेंगे, लोग कहेगा आहा हा हा, कलेजा निकल गया, मुझे तो लगता है कभी पसीना होने लगता है। गाने ऐसे बजते हैं, तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है। अरे तू आदमी है कि जुआ है? तुझे तेरी खुशबू से पहचान लगे, आदमी है कि कुत्ता है? सूंघ के कैसे पहचान लोगे भाई? अब कह रहा है 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, भूत है क्या तू? मोरा पिया घर आया वो राम जी, किसी का पिया दूसरे घर जाता है क्या? गाना आया मिलेंगे जब हम बारिश होगी, और सूखा पड़ा था तो कहा था तू? ये सारे लोग सुनते हैं, हम सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। अब गाना आया, चलते चलते कभी रुक जाता है मैं, क्या यही प्यार है? अरे बेवकूफ, प्यार नहीं, ये कमजोरी का लक्षण है। घुटने में दर्द है। अब चलते चलते रुक जाओ, ये प्यार हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे गाने बजते हैं। यहाँ क्या है, हम चूंकि हास्य व्यंग के कवि, जो सामने दिख गया बस वही लिख गया। एक वंदना पढ़ता हूँ, सुनिएगा, थोड़ा मन मिजाज बनाइए आप लोग। पहले मैं चार्ज होता हूँ तो रिचार्ज करने की गारंटी लेता हूँ। क्या बात, थोड़ा मन। देखिए मैं कहता हूँ कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं ताली मिले। क्या बात, अब अच्छा लगा, अब लगा कि कुछ आप लोग धीरे धीरे जग रहे हैं। कुछ लोग आते हैं जल्दी में, जाते हैं जल्दी में, कोई घटना न घट जाए। मैं कहता हूँ कि वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता, और संगीत समझता तो उदास नहीं होता। आज जाते हैं वही उठकर अक्सर मुशायरों से, जिनको पड़ोसियों पर विश्वास नहीं होता। अरे ला 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 ला। ये ऐसे ही लोग जाते हैं। अच्छा है, अच्छा अक्सर देखिए मुखिया जी, देखिए माला नहीं भी पहनाइए, माल ही मिल जाए तो पर्याप्त हो जाए। अच्छा सुनिए, एक वंदना पढ़ता हूँ। अब थोड़ा थोड़ा सा ये स्थितियां हो गई हैं और प्यार मोहब्बत की बात आई, तो एक कविता की कुछ पंक्तियां और निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। चूंकि मैं गा के कम पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, मगर हंसकर हंसाकर मानसिक आराम देना है। अजी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से क्या लेना, फकत इंसानियत के नाम कुछ पैगाम देना है। क्या बात, अच्छा अच्छा। कविता देखिए कह के केवल हंसाना नहीं, मेरा मतलब होता है कि आप तक कोई अगर संदेश पहुंच जाए, आप तक कोई बात पहुंच जाए, तो इसके लिए केवल कविता पढ़ने आता हूँ। और सुनिए, मैं ये कविता तब लिखा जब अखबार में खबर छपी कि 6 बच्चों की माँ 4 बच्चों के पिता के साथ फुर्र। हाँ,
अखबार के लोग ऐसे छापे थे। अब ऐसे देखते ही मेरा माथा चकराया और एक कविता हमने लिखी, सुनिएगा जल्दी जल्दी में पढ़ता हूँ। मैंने उससे प्यार किया है, मैंने उससे प्यार किया है, उसको मुझसे यारी है। मैंने उससे प्यार किया है, उसको मुझसे यारी है, मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कुंवारी है। मैंने उससे प्यार किया है, उसको मुझसे यारी है, मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कुंवारी है। फिटनेस मेरा सही सलामत, चेचिस थोड़ा हल्का। हाँ ये तो है, दिख भी रहा कर रहे, दिख भी रहा लेकिन फिटनेस नहीं दिख रहा है। फिटनेस मेरा सही सलामत, चेचिस थोड़ा हल्का, फिर भी जाम मोहब्बत का मेरे हाथों से छलका। फिटनेस मेरा सही सलामत, चेचिस थोड़ा हल्का, फिर भी जाम मोहब्बत का मेरे हाथों से छलका। बच्चे चार हमारे, वो छह बच्चों की महतारी है। बच्चे चार हमारे, वो छह बच्चों की महतारी है, मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कुंवारी है। जी करता है उसे बना लूँ अपना जीवन साथी, लोग समझते गधा मुझको, उसको कहते हाथी। जी करता है उसे बना लूँ अपना जीवन साथी, लोग समझते गधा मुझको, उसको कहते हाथी। मेरे वजन से 40 किलो ज्यादा उसका भारी है। अरे मेरे वजन से 40 किलो ज्यादा उसका भारी है, मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कुंवारी है। कभी कहे पटना चलना है, कभी कहे कि पूना, कभी कहे पटना चलना है, कभी कहे कि पूना, मैं उसको मक्खन मलता, वो मुझे लगाती चूना। यही होता है प्यार मोहब्बत। कभी कहे पटना चलना है, कभी कहे कि पूना, मैं उसको मक्खन मलता, वो मुझे लगाती चूना। उसके साथ मुंबई दिल्ली भगने की तैयारी है, उसके साथ मुंबई दिल्ली भगने की तैयारी है, मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कुंवारी है। मैंने उससे प्यार किया है, उसको मुझसे यारी है, मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कुंवारी है। और जफर साहब कह रहे थे कुकुर भोज की बात, तो मैं चूंकि भोजपुरी भाषी क्षेत्र से हूँ, अब यहाँ की भोजपुरी शायद हमारी भोजपुरी से कुछ मेल नहीं खाए, तो पता नहीं, अब कह नहीं सकता हूँ। हालांकि अच्छा एक मुक्तक कह के पहले टेस्ट लेता हूँ, एक मुक्तक भोजपुरी पढ़ता हूँ, सुनिए, अगर आप समझ जाएंगे तो एक कविता भी मैं पढ़ दूंगा। बुढ़ियों करिया बार लगा के छटवावे ले पट्टी। अच्छा बुढ़ियों करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, आ बुढ़ो लागल मेहदी पोते बार बुझाला चट्टी। ये भाई समझ रहे हैं आप? पूरा समझ रहे हैं। बुढ़ियों करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, बुढ़ो लागल मेहदी पोते बार बुझाला चट्टी। आ देखा देखी फैशन के ही आयल अजब बीमारी, नक भवनी कंडेरी सवरो बन गेली बरकट्टी।